तो आज से करीब 2 साल पहले जेब ब्लिट्स के नाम से जेब्रोनिक्स ने गेमिंग हेडफोन लॉन्च करा था और प्रीमियम सेगमेंट का था वो। अब उसका सक्सेसर आ चुका है, सक्सेसर तो नहीं कहेंगे, उसका एक छोटा वर्जन। तो इसका नाम है जेब्रोनिक्स ब्लिट्स सी। सी का मतलब जो भी हो वो अपने आप समझ के बताना कमेंट में, छोटा भी हो सकता है वैसे। बॉक्स देख लो भाई, आगे पीछे हर जगह से कैसा है, दो चीजें मिलती हैं और बॉक्स खाली, क्योंकि इसमें डॉल्बी एटमॉस है तो उससे रिलेटेड एक कार्ड दे रखा है, इंस्ट्रक्शन वगैरह है कुछ इसमें कि कैसे इसे यूज करना है। विंडोज के माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में डॉल्बी एक्सेस के नाम से एक ऐप होती है, उसे डाउनलोड कर लेना, उससे तुम डॉल्बी एटमॉस के मजे ले सकते हो, बस यही लिखा हुआ है इसमें। अब उसका सब्सक्रिप्शन है या नहीं, लेना पड़ेगा या नहीं, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ हमें कुछ नहीं दिया हुआ, बस हेडफोन में दे दिया डॉल्बी एटमॉस। बाहर निकाला जाए, बॉक्स कंटेंट कुछ नहीं, यूजर मैनुअल भी कुछ नहीं है, जरूरत ही नहीं है, ये भी ठीक है। तो ये रहा फाइनली अपना हेडफोन। ये है इसकी वायर, वायर की लेंथ तो बहुत ही बढ़िया भाई, कुछ 2 मीटर के आसपास इसकी लेंथ है, नॉर्मल वाली वायर है, ब्रेडेड वगैरह नहीं है। और सबसे बढ़िया बात कि इसके साथ आता है अपना टाइप सी कनेक्टर, ये बढ़िया भी है और थोड़ा इसके डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन्स में 3.5 mm तो आता नहीं है, तो डायरेक्ट अपने स्मार्टफोन में गेम खेल सकते हो इसको लगा के, RGB माइक वगैरह सब काम करेगा, एंड गेमिंग लैपटॉप वगैरह में भी ज्यादातर अब टाइप सी पोर्ट आता है जितने भी लेटेस्ट है। बस पुराना लैपटॉप है तो दिक्कत आ सकती है, या फिर अगर कोई PC या डेस्कटॉप है जिसमें टाइप सी पोर्ट नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। इवन कुछ कंसोल्स में भी टाइप सी पोर्ट नहीं आता, PS5 में आता है, Xbox में नहीं आता और पुराने PS4 वगैरह में भी नहीं आता, तो उनके साथ एक इशू आ सकता है, कनेक्टर खरीदना पड़ेगा, थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा, बाकी एंड्रॉइड स्मार्टफोन के साथ तो बहुत सही काम करेगा और iPhone 15 सीरीज के साथ भी अब से। तो डिजाइन कुछ ऐसा सा इसका, यहां जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग और पूरा प्लास्टिक का ये, और इन जालियों के अंदर जलती है RGB लाइट, लग तो काफी कूल रही है, लेकिन ये RGB फिक्स्ड है, इसे चेंज नहीं कर सकते। और लेफ्ट वाले ईयर कप में हमारा माइक लगा हुआ है और ये हर जगह से एडजस्ट हो जाता है, इसके ऊपर विंड मफ भी लगा हुआ है और इसी के पीछे वॉल्यूम लेवलर दिया हुआ है, कम ज्यादा कर लो वॉल्यूम ऑन द गो। बाकी माइक म्यूट अनम्यूट करने का भी कोई स्विच नहीं है, तो बेसिक सा ही हेडफोन है, मतलब बजट वाला बिल्कुल। बाकी ये वाला भी पूरा पार्ट अपना प्लास्टिक का है और ये अपना हेडरेस्ट, ये इलास्टिक है, बिल्कुल खिंच जाता है और सर के हिसाब से एकदम फुल एडजस्ट हो जाएगा, बट ईयर कप वाली कोई एडजस्टमेंट हमें नहीं मिलती, ये ईयर कप इसके साथ बिल्कुल एकदम फिक्स्ड है, इसको ऊपर नीचे या घुमा हुआ कुछ भी नहीं सकते, तो ये एक मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा। बजट हेडफोन है बट स्टिल यार होना चाहिए था मेरे हिसाब से, बाकी कंफर्ट एक बार देख लेते डाल के, कंफर्ट तो ठीक है मेरे सर पे तो बिल्कुल सही है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा इसकी एडजस्टमेंट को मिस कर रहा हूँ, अगर ये होती तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाता, पर वैसे भी ठीक लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं लग रही। एंड कुशनिंग भी इसकी सॉफ्ट है, यहाँ देख सकते हो काफी सही मटेरियल यूज करा है कुशन्स पे, ओवर द ईयर है, बिल्कुल कान इसके अंदर फिट हो जाते हैं, तो कंफर्ट वाइज भी कोई दिक्कत नहीं लगेगी, 2-4 घंटे तक अगर गेमिंग में लगातार करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हल्की फुल्की स्वेटिंग तो यार हो ही जाएगी, वो तो हर हेडफोन में होती है, पर ऐसे इरिटेशन फील नहीं होती है, बट 4 घंटे से ज्यादा यूज करोगे तो हो सकती है यार, बजट हेडफोन है यार। बाकी ओवरऑल प्लास्टिक का मटेरियल बढ़िया यूज किया, तो बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, तो 220 के आसपास का इसका वेट है, 250 ग्राम से कम वाले हेडफोन्स लंबे समय तक डालने में दिक्कत नहीं आती, ये एक फायदा होता है, तो वो चीज इसमें मिल जाएगी। तो जो माइक की क्वालिटी सुन रहे हो वो इसके माइक से रिकॉर्ड हो रही है, तो अंदाजा लग रहा होगा, तो जैसे भी लगे देख लो कोई नॉइज वगैरह कैसा आता है इसमें, वैसे सब बंद पड़ा है, क्या ही नॉइज आएगा। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब कर देना। और साउंड के लिए इसके अंदर 50 mm के ड्राइवर्स लगा रखे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा, वैसे मैं कर चुका हूँ फिर भी एक बार, डॉल्बी एटमॉस का आनंद देख ले, देखना भी चाहिए। क्या चलाऊं, ढिंका चिका कोई सेंसर्स बात की। देखो यार, आवाज काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब बिल्कुल एकदम बैलेंस्ड ऑडियो आती है, बस एक थोड़ी सी मुझे कमी लगी, वो है लाउडनेस की। इसके अंदर लाउडनेस हमें कम मिलती है कंपैरेटिवली, मैंने और जितने भी हेडफोन्स यूज करे हैं उनमें ठीक ठाक लाउडनेस होती थी, इसकी थोड़ी सी मुझे कम लगी। तो मतलब फुल वॉल्यूम भी कर लोगे ना तो तुम्हें फील होगा कि जैसे 70-80% है, तो कुछ लोगों के लिए अच्छी भी है वो, कुछ लोगों के लिए नहीं भी है, जो लोग ज्यादा तेज गाना सुनना पसंद करते हैं, मुझे ठीक लगा, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी। और अभी ना मैं स्मार्टफोन के अंदर ऐसे गाने वाने सुन रहा था इसके टाइप सी पोर्ट पे लगा के, तो इसके अंदर लाउडनेस सही है, बिल्कुल एकदम बढ़िया वाली, फुल धमक भी बढ़िया और लाउडनेस तेज आ रही है, तो पता नहीं क्या ग्लिच है। मेरे मैकबुक के साथ आवाज कम आ रही थी और PS5 पे भी जब मैंने लगाया था तब उस पे भी गेमिंग करते वक्त आवाज कम आ रही थी, तो विंडोज वाले लैपटॉप में भी टाइप सी पोर्ट से बढ़िया काम कर रहा है और इसमें भी लाउडनेस तेज आ रही है, पता नहीं भाई क्या चक्कर है। बाकी विंडोज लैपटॉप पे भी बढ़िया आती है आवाज, तो गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली तुम्हें। और अगर साउंड क्वालिटी की बात करूं तो बेस बहुत ही अच्छी आती है, बिल्कुल बैलेंस्ड बेस आएगी, मतलब जितनी होनी चाहिए ना गाने के हिसाब से उतनी आती है, बहुत ज्यादा ऐसे भूम भाम भी नहीं करता, नॉर्मल सी आती है। हाईज और मिड्स भी बिल्कुल बैलेंस्ड है आवाज के हिसाब से, बाकी इसमें कोई इक्वलाइजर वगैरह तो हमें मिलता नहीं है तो हम कुछ कस्टमाइज कर भी नहीं सकते। ओवरऑल यूं है कि इसकी जो खुद की आवाज ये देता है, प्रोड्यूस करता है, वो बढ़िया आएगी, तुम्हें एकदम रिच साउंड देता है, तो जो डॉल्बी एटमॉस इसमें दिया है वो काम अच्छा करता है। और अगर डॉल्बी एक्सेस वाली ऐप यूज करते हो तो थोड़ा बहुत उसमें कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं डेफिनेटली गेमिंग या म्यूजिक के अंदर। और ज्यादा सिर्फ म्यूजिक के अराउंड ही जाना है तो गेमिंग हेडफोन प्रेफर मत करो, बट अगर गेमिंग हेडफोन ही प्रेफर करना है तो इससे बढ़िया
आवाज वाले काफी सारे हेडफोन्स हैं, मैंने भी बहुत सारे रिव्यू कर रखे हैं, उन सबके रिव्यू एक बार चेक कर लेना। ओवरऑल अगर एक बैलेंस्ड ऑडियो सुननी है तो इसमें वो मिल जाती है। अब गेमिंग हेडफोन है तो गेमिंग की बात करते हैं। मैंने इसमें जितने भी गेम वगैरह खेल कर देखे तो गेमिंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। स्टीरियो सेपरेशन भी बढ़िया है, लेफ्ट राइट से एकदम क्लियर सुनाई देते हैं और अगर बंदे की लोकेशन हो या कुछ भी हो सब समझ में आ जाएगा कहां पे कहां से कौन आ रहा है। और गेमिंग में मुझे डॉल्बी एटमॉस का थोड़ा सा फायदा लगा क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि आसपास से जितनी भी आवाजें हैं गेम के अंदर जितनी भी आती हैं वो सब एकदम अच्छी एकदम रिच सुनाई दे रही है। तो अगर 2000 के नीचे कोई गेमिंग हेडफोन प्रेफर कर रहे हो तो फिर मैं कहूंगा कि इससे बेटर ऑप्शंस काफी सारे मिल जाएंगे जिनमें तुम्हें डॉल्बी एटमॉस या फिर 7.1 सराउंड साउंड और बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। बट अगर 1000-1200 के आसपास का टाइट बजट है देन तुम इसे प्रेफर कर सकते हो, तो डिसीजन तुम्हारा है। अगर खरीदना चाहो और प्राइस वगैरह चेक करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इन वीडियोस को भी चेक कर लेना। बाकी लाइक सब्सक्राइब सब कर दो भाई, हम मिलेंगे ऐसी किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।